हेलो दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर के इस सीरीज डे थ्री में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे डे वन और डे टू के वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके आप वहां से डे वन और डे टू के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स के कुछ टास्क को परफॉर्म करना बताया है। तो दोस्तों डे थ्री के आज के इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर के कुछ एडवांस लेवल के टास्क को परफॉर्म करना बताएंगे। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि रन से प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है, उसके बाद शॉर्टकट से प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास दो प्रोग्राम ओपन हैं तो हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे कैसे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और रैम को कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लोब को जाके सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि रन से प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर की को प्रेस करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर रन प्रोग्राम का जो फंक्शन है, आप अपने जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के शॉर्टकट या फिर उसके इंस्ट्रक्शन नेम को आप वहां पे टाइप करके इंटर करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंदर लाइव आपको किसी प्रोग्राम को ओपन करके बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर की को प्रेस करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपने जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उसके शॉर्टकट या फिर उसके इंस्ट्रक्शन नेम को यहाँ पे आप टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड को ओपन करके बता देता हूँ। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे विनवर्ड टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे विनवर्ड टाइप कर देता हूँ। विनवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे हम नीचे इसको करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे तो हमारा विनवर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर रन फंक्शन के द्वारा आप किसी भी प्रोग्राम को उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि शॉर्टकट से प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइपिंग मास्टर है। तो दोस्तों मैं इसका आपको लाइव शॉर्टकट की क्रिएट करके बता देता हूँ कि कैसे किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट की क्रिएट होता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम पे आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर उस इसके प्रोग्राम के जो फंक्शन होते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे नीचे शॉर्टकट की ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट इस टाइम कंट्रोल अल्ट प्लस सी है, तो हम इसका शॉर्टकट चेंज करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करके ओके कर देना है, वो आपका शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे तो आपका जो टाइपिंग मास्टर है वो आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस तरह से हमारा ओपन हो गया है वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर भी ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला टॉपिक है कि मान लीजिए हमारे कंप्यूटर के अंदर दो विंडो या फिर दो प्रोग्राम ओपन है। तो दोस्तों अगर हमको एक विंडो से या फिर एक प्रोग्राम से दूसरे विंडो या फिर प्रोग्राम पे जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको लाइव अपने कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास ये टाइपिंग मास्टर ओपन है और हमको इससे दूसरे प्रोग्राम पे जाना है। तो दोस्तों इसके लिए हमको अल्ट टैब की को प्रेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड में जो और प्रोग्राम ओपन रहेगा उस पर डायरेक्ट चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम डायरेक्ट टाइपिंग मास्टर से एमएस वर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला और सबसे आखिरी टॉपिक है कि हम कंप्यूटर में अपने लगे हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और रैम को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में देख पा रहे होंगे, अगर आपके यहाँ पे दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर के नाम से कोई भी आइकन या फिर कोई भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर शो हो रहा हो तो दोस्तों आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उस जस्ट कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे या फिर यहाँ पे जो लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे आपके कंप्यूटर में कितना रैम है, आपके कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, प्रोसेसर, सब कुछ यहाँ पे
देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।